हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हैं, हेल्दी हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक ज़ोडियाक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लियोस के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लियो है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है। बट लियो, ये याद रखना कि ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है। सो प्लीज़ आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका सितंबर 15th से लेके सितंबर 30th 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी लियोज। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो होगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। सो योर फर्स्ट कार्ड इज़ द फाइव ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। सो यहाँ पे लीब्रा एनर्जी है, लियो, टेन ऑफ कप्स, डेविल कैप्रिकॉर्न एनर्जी, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, लियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट नाउ लियोज, आई थिंक आप अपने लव लाइफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो, आप काफ़ी ज़्यादा अनश्योर हो, आप श्योर नहीं हो दैट आपका लव लाइफ में आपका फ्यूचर क्या है। आई थिंक आप अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में बहुत परेशान रहते हो, या कुछ लोगों के लिए ये आपका मैरिज है, अगर आप मैरिड है किसी से, मे बी आपके मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है जिसको लेके आप परेशान हैं। यू नो, आप लॉन्ग टर्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म एक मैरिज हो, या फिर अगर आप सिंगल है, आई फील आपको ऐसा लगता है दैट आप किसी भी पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, आप कभी लॉन्ग टर्म में आपको ये टर्न ऑफ कप्स नहीं मिल सकता, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो यू नो, एक नेगेटिव सा थॉट पैटर्न चल रहा है आपके माइंड में। फॉर सम ऑफ यू, आई थिंक यहाँ पे आपके रिलेशनशिप या आपके लव सिचुएशन में कुछ लोग यहाँ पे इन्वॉल्व्ड हैं, मे बी किसी का फैमिली, मे बी फ्रेंड्स, मे बी थर्ड पार्टीज़, एंड ये लोग एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है आपके सिचुएशन में, या फिर आप दोनों के बीच में एक इम्बैलेंस है, आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, या इस वक्त कुछ ना कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लियो। बट आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ यू, अगर आप किसी से डील कर रहे हैं इस वक्त, आई थिंक आप इस कनेक्शन को चाहते हो, ठीक है, चाहे जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे जितने भी लोग आ जाए बीच में, चाहे कुछ भी हो जाए, आई फील आप डेफिनेटली इस पर्सन को चाहते हो, आप डेफिनेटली इस सिचुएशन में एक लॉन्ग टर्म चीज़ चाहते हो इस इंसान के साथ, या अगर आप सिंगल हैं देन आई फील आप एक ऐसे पार्टनर को चाहते हो जिनके साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाओ, ना ही सिर्फ यू नो टाइम पास, या बस यू नो शॉर्ट टर्म पीरियड का जो रिलेशनशिप्स होते हैं, आप वो सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हो इस वक्त लियो, ठीक है। देयर इज़ डेफिनेटली एक पर्सन है आपके आसपास जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, कुछ लोगों के लिए ये कोडिपेंडेंसी हो सकता है दैट आपको लगता है आपका पूरा हैप्पीनेस, आपका सब कुछ इस पर्सन पे डिपेंडेंट है, यू नो, आप काइंड ऑफ बाहर नहीं आ पा रहे हो, इट इज़ लाइक आप इस पर्सन के साथ स्टक हो चुके हो, एंड आप दोनों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लोग हैं, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, झगड़ा झमेला, थर्ड पार्टीज, यू नो, बहुत इम्बैलेंस चल रहा है लियो। सो लेट अस सी आपके पर्सन का क्या सिचुएशन है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। Person Leo is dealing with spirit. Temperance, maybe आप एक Sagittarius के साथ deal कर रहे हो, but वो necessary नहीं है। I have the Knight of Wands. Okay. कुछ लोगों के लिए ये person थोड़े से player किस्म के हैं, या आपको लगता है उनका जो energy है वो थोड़ा सा यू नो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको, एंड उस बारे में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, या वही चीज़ है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है इस करंट सिचुएशन में। टेन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके,
फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, मे बी ये पर्सन मैरिड है, आप भी मैरिड है किसी और से, एंड एक थर्ड पार्टी सिनेरियो है, या फिर इनके फैमिली या आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, या दूसरे लोग है, लॉन्ग डिस्टेंस है, काम है, समथिंग जो एक बहुत ही बड़ा ब्लॉकेज है इस वक्त आपके इस टेन ऑफ कप्स के सामने, ठीक है. बट आई फील कहीं ना कहीं लियो आपको ऐसा लग रहा है दैट ये पर्सन काइंड ऑफ आप जो चाह रहे हो, आप जो स्टेबिलिटी चाहते हो, आप जो जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है एक रिलेशनशिप से, आई फील ये पर्सन का कुछ और ही एक्सपेक्टेशन है. ओके, आपका आपके पर्सन का जो एनर्जी है लियो, आई थिंक ये पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ इनका जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पास्ट में या इस वक्त है, ये पर्सन उस कॉन्फ्लिक्ट को हील करना चाहते हैं. आई फील ये पर्सन बैलेंस लाना चाहते हैं. ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है लियो, बट द प्रॉब्लम इज़ आई थिंक आप इस कनेक्शन से स्टेबिलिटी चाहते हो, आप इस कनेक्शन से एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहते हो, बट आपके पर्सन इस वक्त वो देने के लिए तैयार नहीं है. आई थिंक ये पर्सन इस वक्त बस कुछ शॉर्ट टर्म चाहते हैं, या बस आज के बारे में सोच रहे हैं. ये पर्सन फ्यूचर के बारे में उतना ज़्यादा चिंतित नहीं है, यू नो. एंड आई फील दैट इस वक्त इस पर्सन को लगता है दैट एक रिलेशनशिप या इस सिचुएशन बहुत ही बर्डन जैसा हो गया है इस पर्सन के ऊपर, यू नो. मे बी दूसरे लोग इन्वॉल्व है, जो मैंने ऑलरेडी कहा है. सो कुछ ना कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व है, हर किसी के लिए वो अलग अलग होगा बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है. बट इस पर्सन को लगता है इस वक्त इस रिलेशनशिप को आपको कोई भी प्रॉमिस करना या कमिटमेंट करना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ उनको लगता है इस वक्त वो अपने प्रॉमिसेज नहीं निभा पाएंगे, चाहे कोई भी रीज़न क्यों ना हो, वो आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे जो आप ढूंढ रहे हो. सो ये पर्सन एट द सेम टाइम लियो आपको खोना नहीं चाहते, ये पर्सन नहीं चाहते आप इनके लाइफ से चले जाए या सब कुछ ख़त्म हो जाए. आई थिंक ये पर्सन कंटिन्यूसली कोशिश करेंगे या कर रहे हैं आपको उनके लाइफ में रखने के लिए, चाहे वो एज अ फ्रेंड हो, एज जस्ट कम्युनिकेट करके हो, चाहे वो एज अ पार्टनर हो, जैसे भी हो, ये पर्सन कोशिश करेंगे आपको अपने अपने लाइफ में रखने के लिए, ठीक है, आपके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए. बट आई कैन टेल यू दैट आप जो कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप जो जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है, आई डोंट फील ये पर्सन उस एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएंगे, ठीक है. या आपके लाइफ में रहेंगे या कोशिश करेंगे आपको अपने लाइफ में रखने का, बट आपका जो एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं आई फील दैट वो ये पर्सन नहीं निभा सकते इस वक्त लियो. ओके, एंड रीज़न है या तो ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक है, इनको कमिटमेंट करने से बहुत डर लगता है, या इस वक्त लग रहा है उनको लगता है दैट ये सिचुएशन उनके लिए एक बोझ जैसा है, यू नो, वो इस बोझ को नहीं उठा सकते इस वक्त, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन काम कर रहा है, कुछ और फैक्टर्स है जो इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है इस वक्त. अगर मैं जोडियाक्स की बात करूँ, मेरे पास है सैजिटेरियस, लीब्रा, कैप्रिकॉर्न. ओके ओके, लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपका करियर सिचुएशन लियो. व्हाट इज योर करियर सिचुएशन? व्हाट इज द करियर सिचुएशन फॉर माय लियोस हियर? टेन ऑफ कप्स. Queen of Pentacles, wow. The Devil. I'm hearing unnecessary blockages, unnecessary blockages. So I feel that Leo, इस महीने आपका जो करियर सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है. आप जो भी सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हो आप बिल्कुल उसके हकदार हैं. बट आई थिंक लियो यहाँ पे कुछ अननेसेसरी ब्लॉकेजेस आ सकते हैं जिसे आप अवॉइड कर पाओ अगर आप उन ब्लॉकेजेस को पहले से पहचान लो, ठीक है. ये ब्लॉकेजेस किसी भी रूप में हो सकता है, मे बी किसी कोई इंसान जो आपको, ओके लेट्स पुट इट दिस वे दैट
ये जो भी ब्लॉकेजेस है इसे आप खुद ही दूर कर सकते हो अगर आप इन ब्लॉकेजेस को पहचान लो. सपोज फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट है, आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड सडनली आपको दिखे दैट आपके घर में दूसरे लोग आके रहना शुरू कर दिए हैं, या फिर आपका जो फ्रेंड्स है वो आपके अगेंस्ट है, या आपको कोई कंटिन्यूअसली इरिटेट कर रहा है, या आपके घर में वैसा माहौल नहीं है कि आप शांति से पढ़ाई कर पाए एंड मे बी आपके एग्जाम्स नज़दीक है. सो आई फील दैट लियो ये जो भी ब्लॉकेजेस है ये ब्लॉकेजेस बहुत ही मटीरियल है. ये ब्लॉकेजेस आपके आसपास है जो आपके कंट्रोल के अंदर है. ये ब्लॉकेजेस ऐसा नहीं है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते एंड आपको वेट करना है डिवाइन टाइमिंग के लिए. ये सारे ब्लॉकेजेस वैसे नहीं हैं. आई फील दैट ये तभी आप ओवरकम कर पाएंगे अगर आप मेंटली डिटरमाइंड है, प्रिपेयर्ड है कि किसी भी हद पे मुझे अपना टारगेट अचीव करना है. सो इस महीने आपके लिए सबसे बड़ा जो पावर है आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में, वो है आपका डिटर्मिनेशन कि चाहे कुछ भी हो जाए आप वो करके ही छोड़ोगे. चाहे वॉट एवर हैपन्स, जो भी ब्लॉकेजेस आए आप ब्लॉकेजेस को हटाओगे, या आप अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल वैसे एडजस्ट करोगे एंड यू विल हैव इट. बिकॉज आई कैन सी लियो दैट ये महीने में इट्स नॉट लाइक कि आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है या आपसे होगा नहीं. बिकॉज अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप डिटरमाइंड रहेंगे, आई कैन सी दैट आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो यहाँ पे, बहुत कुछ. एंड इवन आई कैन सी फाइनेंस इज कमिंग इन. बट यहाँ पे कुछ जो मैंने कहा अननेसेसरी ब्लॉकेजेस को आपको बस हटाना है. ओवरऑल मंथ आपका सेप्टेम्बर लियोज यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल एक मंथ है. आई थिंक फाइनेंशियल इश्यूज आपको ज़्यादा नहीं आएगा इस मंथ में. ओवरऑल आपका फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मुझे. आप जो भी काम कर रहे हो आप काफ़ी सेटिस्फाइड हो उस काम से. जो लोग अपना खुद का बिजनेस चलाते हो, या आप कुछ फ्रीलांसिंग करते हो, या आप एक आर्टिस्ट हो, क्रिएटिव कुछ काम करते हो, आई थिंक आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आ सकते हैं. स्पेशली जो मैंने कहा फ्रीलांसर्स और बिजनेस पीपल, या इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली अगर आप काम कर रहे हो कुछ, आपके सामने सच में बहुत सारे ऑफर्स आ सकते हैं. एंड आई फील दैट ओवरऑल देर इज़ अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस कमिंग इन. सो मे बी ये फाइनेंसेस आपके घर से आ रहे हो, गिफ्ट के तौर पे आ रहे हैं, या मे बी आपका सैलरी, आपका प्रॉफिट हो सकता है. बट देर इज़ अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस. सो फाइनेंशियली आप काफ़ी हैप्पी रहोगे इस मंथ. आई थिंक आप जो भी काम करते हो या जहाँ से भी आपका इनकम होता है, आई फील या तो वहाँ से आपको एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, मे बी गिफ्ट के तौर पे, किसी के शादी में, किसी के कोई आपको ज्वेलरी दे रहा है, कोई आपको महंगा गिफ्ट खरीद के दे रहा है. बट वॉट एवर इज़ हैपनिंग ओवरऑल आप बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग फील करोगे, विच इज़ वेरी नाइस. ज़्यादा कोई ब्लॉकेजेस नहीं रहेगा सितंबर में आपके सामने. इट्स जस्ट दैट कि आपका एनवायरनमेंट आपको इरिटेट कर सकता है. अननेसेसरी कुछ छोटे मोटे ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, जैसे कि दूसरे लोग या जो भी नॉर्मल सा ब्लॉकेजेस, कोई भी ज़्यादा बड़ा ब्लॉकेज नहीं है. एंड इन ब्लॉकेजेस को आप खुद ही हटा सकते हो. इन ब्लॉकेजेस के लिए आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट नहीं करना है. सो कोशिश करो जितना हो सके उतना डिटर्मिनेशन दिखाने का, उतना हार्ड वर्क करने का एंड डटे रहने का कि जो भी हो जाए आई विल फाइट बैक. ठीक है, डिटर्मिनेशन आपका सबसे बड़ा पावर है इस वक्त. योर बिगेस्ट पावर इज़ डिटर्मिनेशन लियो. ठीक है, सो आई थिंक दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू इन हियर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू योर जनरल मैसेजेस. लेट्स सी व्हाट इज योर जनरल मैसेज. जनरल मैसेजेस फॉर माई लियोज हियर. ओके, क्रिएट अ वाटर. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं इस मंथ. मे बी आपके चार्ट में है, या फिर कोई ऐसा वाटर साइन है आपके आसपास जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. आप बहुत इमोशनल फील कर सकते हैं कभी कभी, या आपका इमोशंस पे आपको बहुत ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. बिकॉज आई फील
आपके इमोशंस आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं लियो, यू बिलीव इट और नॉट, आपके इमोशंस इस वक्त काफ़ी स्ट्रांग है। आई फील आपका लाइक आपका इंट्यूशन नहीं, इट्स योर इमोशन। यू नो, अगर आप किसी चीज़ को देख के बहुत इमोशनल, फॉर एग्जांपल अगर आप बैठ के टीवी देख रहे हो एंड वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एड आता है या ऐसा कोई मूवी होता है जहाँ पे यू नो इट्स अबाउट अ मदर, सो मे बी आप इमोशनल हो जाते हो, यू नो यू फील लाइक कितना अच्छा मूवी है ये है, सो दैट इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू कि अगर आप वो एड या वो मूवी देख के इमोशनल हो रहे हो, इट इज़ बिकॉज मे बी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद के मदर के साथ सॉर्ट आउट करना आपके लिए ज़रूरी है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने मदर को कहना चाहते हैं पर आप नहीं कह रहे हो, या कोई ऐसा इमोशन है जो आप अपने मदर को दिखाना चाहते हो बट नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, सो ये बस एक एग्जाम्पल था। ऐसे किसी भी सिचुएशन में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है दैट यू सडनली आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, सडनली आपके इमोशंस बहुत हाई है, कोशिश करो उस सिचुएशन पे ध्यान देने का। यू नो, जहाँ से भी, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई एडवर्टाइजमेंट हो, कोई यू नो कुछ भी हो, डॉक्यूमेंट, एनीथिंग, अपना आपका इमोशंस आपको बेसिकली बहुत सारे आंसर्स देने के लिए है यहाँ पे। सो इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन आई हैव गेट बैक टू एलिमेंटल, फाइंड योर सेक्रेट फ्लो, ओवर रेट योर इंट्यूशन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई फील दैट सम ऑफ यू यहाँ पे एक थोड़ा सा यू नो एनर्जी ऑफ एंगर है, कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो किसी सिचुएशन में अपने लाइफ में, या आप काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो किसी से, या इन जनरल हर एक इंसान से अपनी लाइफ में इस वक्त आप काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। दैट इज़ एन एनर्जी दैट आई एम फीलिंग। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट लियो, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो एनर्जी है, इसे कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, ओके, एंड आई फील दैट आप बहुत ही इम्पल्सिव फील कर सकते हो। यू नो, आपको हमेशा ऐसा फील हो सकता है दैट मुझे एक्शन लेना है, मुझे कुछ करना है, मैं चुप नहीं बैठ सकता, मुझे ये करना है, वो करना है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो, नेगेटिव वे में हो, आपको एक कंटिन्यूअस एक इम्पल्स फील हो सकता है दैट आपको हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यू नो, अपनी लाइफ में हर एक मैटर में आपको कॉन्स्टेंटली एक्शन लेना पड़ेगा, आपको रिएक्शन देना पड़ेगा लोगों को, या आपको चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। सो एक काइंड ऑफ एक इंस्टिंक्ट आपका काम कर सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस इंस्टिंक्ट को यू नो काम रखें, आप उस इंस्टिंक्ट को कंट्रोल में रखें, बिकॉज़ कभी कभी यू नो लाइफ में एक्शन लेना सब कुछ नहीं है, कभी कभी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ करना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप उन इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो, ओवरऑल ऑल द इमोशंस। ठीक है, सो इस वक्त कोशिश करो ज़्यादा एक्शन ना लेने की, या ज़्यादा रिएक्शन ना देने की लोगों को, कोशिश करो थोड़ा सा चुपचाप रहने का, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने का, प्रॉपर कंट्रोल, स्पेशली जो नेगेटिव इमोशंस है जैसे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये जो सारे नेगेटिव इमोशन है इसको बिल्कुल कंट्रोल करना है। एंड ओपन अप योर हार्ट, अगर आप किसी को इमोशनली कुछ कहना चाहते हो, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, देन जाओ एंड जाके कहो। डोंट सिट एंड थिंक कि वो इंसान क्या सोचेगी या सोचेगा, या क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या ये करूँगी तो मुझे लाइक लोग मुझे अजीब कहेंगे या लोग मुझ पे हंसेंगे, उतना मत सोचो। इफ़ दिस इज़ समथिंग जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर ये इंसान इम्पॉर्टेंट है, अगर ये फैमिली मेम्बर इम्पॉर्टेंट है, देन जाओ जाके कहो। ओके, बी रियल, अपने अपने दिल के अंदर जो भी है उसको बाहर लाओ। यू डोंट हैव टू ऑलवेज बी परफेक्ट लियो, हमेशा परफेक्ट नहीं भी रहोगे तो भी चलेगा, इट डज़ नॉट मैटर। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय लियोज, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर ये आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।